साहिबगंज में रोजगार की संभावना के लंबे इंतजार और पत्थर उद्योग के बाद एक और इंडस्ट्री शुरू की गई। किसानों और गोपालकों की आय में वृद्धि और रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई डेयरी फार्म में कई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। दरअसल झारखंड में कृषि पशुपालन सहकारिता और मत्स्य पालन सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने महादेवगंज स्थित मेधा डेयरी प्लांट का जायजा लिया और डेयरी प्लांट के मिल्क क्षमता की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने कोल्ड प्रोडक्ट रूम, स्टोरेज, कूलिंग मशीन, पैकेजिंग रूम आदि का जायजा लिया। जो झारखंड सरकार में जो मेगा डेयरी प्लांट जो साहबगंज में बन रहा है, तो काफ़ी ड्रिंक प्रोजेक्ट है जिला के लिए भी राज्य में। तो आज हमने आपसे देखा, आपने देखा बेसिकली ऑलमोस्ट पूरी कम्प्लीट की है। अभी जो मैं जो ब्यूटिफिकेशन जो क्लीनिंग ये सब काम चल रहा है, और जो लस्सी मेकिंग और पनीर मेकिंग वाला में थोड़ा बहुत वायरिंग बचा हुआ है, लेकिन यहाँ का जो कंसर्न जो बताया गया विद इन 3-4 डेज वो भी हो जाएगा। तो हमारा यहाँ का जो मैदा लेने का जो MD है, हमारा जो ऑफिसर है और DC साहब का भी काफ़ी सहयोग इसको मिल रहा है, ये लोग से बता रहा है जितने भी के परफेक्टली कंप्लीट हो जाएगा। तब लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे इसको अगले महीने में किसी भी उनका सुविधा हिसाब से लेट से हम लोग इसको उद्घाटन करके इस राज्य का साहबगंज का जिला को समर्पण करेंगे, ताकि ये 50,000 लीटर पर डे का है, काफ़ी बड़ा है। हमको लगता है इस इलाका का जितना गाय फार्मर है, दूध वाला फार्मर है, वो सबके लिए लाइफ में काफ़ी बदलाव ला सकते हैं।